इन्हों ने एम ए इकनॉमिक्स किया है, गुड एम ए इकनॉमिक्स किया है, तो नैचुरली कमर्स ये भी पढ़िया होएगा। हुण तुहाडे लई इलैक्टिव पंजाबी है, पंजाबी नहीं छड्डनी नंबर एक। ओके, हुण तुहाडा एस एस टी भी बन रहा है, एस एस टी पंजाबी तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन है कि कोई भी अडिशनल पेपर नहीं देना पड़ेगा। जे तुहानू लालच एम ए का लैना है, तुसीं पी जी टी लई एलीजिबल होवोगे, फिर तुसी इकनॉमिक्स ते पंजाबी भी लै सकते हो, पर मैं इस सुजैसट नहीं करांगा क्योंकि ये दो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, हिस्टरी पढ़ी है, केंद्रीय विद्यालय विच एलीजिबल हो, नवोदया विद्यालय, सी बी एस ई दे सारे कॉलेज, स्टेट कॉलेज तुसी एलीजिबल हो एस एस टी लिए। एस एस टी पंजाबी ही चुनो, एस एस टी मेजर और माइनर कॉलेज जाके पंजाबी मिलेगा, होर कोई नहीं लैना। तीसरा तुहाडा इकनॉमिक्स सोच सकते हो, मेरे हिसाब नाल तुसी बी एड करके एस एस टी करके उस तो बाद अडिशनल पेपर दिओ बी एड दा एदा इकनॉमिक्स का, फिर तुम बी एड का अडिशनल देंदे सार ही पी जी टी इकनॉमिक्स लिए एलीजिबल हो जाओगे। इस तो इला यही बेस्ट तुहाडे लिए बन रही है, इस कॉम्बीनेशन बेशक ना छेड़ियो तो अच्छी गल होएगी। नैक्सट वीडियो वाल चलते हाँ, इत्थे ये रहा रमनदीप कौर जी का रिक्वेस्ट है, मेजर एस एस टी मिल रहा है, माइनर पी यू रीजनल। हाँ, ये तुहाडा जवाब मैं दूसरे वीडियो विच दे आया हाँ। सर मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सोशियोलॉजी इलेक्टिव हिंदी पढ़ी है, गुड। हिस्ट्री सोशियोलॉजी पढ़ी है तो एस एस टी तुहाडा बिल्कुल बन गया मेजर, इसनों नहीं छड़ना, गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो, 3 साल पढ़े है, इलेक्टिव हिंदी है, मेरे ख्याल इसका भी जवाब दे आया हाँ, एस एस टी हिंदी ही तुहाडा बनता है। ग्रेजुएशन में एम ए पंजाबी की हुई है, ग्रेजुएशन में बट पोस्ट ग्रेजुएशन में एम ए पंजाबी और एम ए इंग्लिश की हुई है, ये यार बड़ा अजीब हो गया। हिस्ट्री एस एस टी मेजर ना छड्यो, हजे तुहाडे को बहुत टाइम है, क्योंकि माइनर तुहाडे ये भी माइनर बनता है, माइनर है एम ए भी माइनर है, सो ये मेजर नहीं बनते, ये तुसी भरो, बहुत टाइम है तुहाडे को सोचने लई कि तुसी माइनर केड़ा लेना है। हुण तुसी दुविधा विच हो, तुसी टी जी टी लई जांदे हो, जाना चाहते हो तो हिंदी ही लैना, ठीक। मेरे हिसाब नाल टी जी टी लिए ही जाना चाहिए है। दूसरा ये देखो कि राजे टी ई टी भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ओके, थोड़ी मेहनत करांगे हो जाएगा, पर सिलेक्शन टेस्ट जिहड़ा है ये मैं गल हजे शायद किसी भी वीडियो च नहीं दसी, असीं गल्लां करी जाने हैं, दो तीन तीन लिए एलीजिबल हो जाने हैं। सिलेक्शन टेस्ट ने इन्नी ज़्यादा एनर्जी लैनी है क्योंकि कल सिलेक्शन टेस्ट के बेस पर ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है नॉर्मली, तो जे इन्ना ज़्यादा जोर इधर लगा होएगा और ये पोस्टा भी ज़्यादा हिंदी दियाँ निकल दियाँ हैं, पी जी टी पंजाबी तो पी जी टी इंग्लिश दियाँ घट निकल दियाँ हैं, इसलिए तुसी ये देखो कि मैं सिलेक्शन टेस्ट हिंदी का जल्दी, मेरी नॉलेज एरिया कंफर्टेबल इंटरस्ट हिंदी च ज़्यादा है तो मैं ये कर लाँगा, फिर हिंदी जरूर लो, जे पंजाबी च है तो पंजाबी लो, जे इंग्लिश है तो इंग्लिश लो, नॉर्मली जे सब इक्वल है तो बेस्ट तुहाडे लई है एस एस टी हिंदी, इसे नूं चूज़ करो, ठीक। अगे तुसी मेरे हिसाब नाल तुहानू एम ए हिंदी करनी चाहिए सी, फिर टीचिंग लाइन तुहाडी बेस्ट बननी सी, इस तों इलावा तुसी बाद विच जिहड़ा है मान लो एस एस टी ते हिंदी दा तुहाडा हो गया, फिर तुसी अपना अडिशनल पेपर जरूर दे देना पंजाबी दा, बी एड दा अडिशनल पेपर इंग्लिश दा है ना दे देना, इस नाल तुसी पी जी टी पंजाबी ते इंग्लिश लई एलीजिबल हो जाओगे। नैक्सट है सर फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, सब्जेक्ट विद इंग्लिश लिटरेचर पोलीटिकल रीड मोड, ये सर पहला भी पूछ चुके ने, मैं जवाब दे चुका हाँ, इंग्लिश लिटरेचर पोलीटिकल साइंस हिस्ट्री बहुत अच्छा बन रहा है, तुहाडा एस एस टी हो गया है, लिटरेचर इंग्लिश माइनर हो गया है, बिल्कुल ठीक है। एम ए एम फिल इन पोलीटिकल साइंस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, एम ए पोलीटिकल साइंस है ना, पोलीटिकल साइंस, सो यदा तुसी बाद विच अडिशनल दियो, ये बी एड हो गई, बी एड होने तो बाद अडिशनल देना है कादा बी एड का ही, कादा पॉल साइंस का, फिर तुसी पॉल साइंस क्योंकि हायर एजुकेशन ज़्यादा है पी जी टी लई एलीजिबल हो जाओगे। तुसी सर मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर ते माइनर एस एस टी, नहीं इस तरह नहीं होएगा, मेजर तुहाडा एस एस टी ही रहेगा, माइनर इंग्लिश ही रहना है, रख लवां कि सही रहूगा तुहाडा अकॉर्डिंगली, वेटिंग रिप्लाई। देखो कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, और तुहानू मिलना ही नहीं है इंग्लिश मेजर, तुहाडे दोनों ही मेजर बन गए, सॉरी इंग्लिश तुसी पढ़िया है लिटरेचर एम फिल इंग्लिश, हाँ तुसी इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी हुई है,
ਤੁਸੀਂ SST ਮੇਜਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਜਰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ SST ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ GNDU ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਇਤਨੀ ਬਰੀਫ ਮੇਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਜਰ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੇਜਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ, ਸੋਰੀ ਟੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਟ PSTET ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, TET ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਹਿੰਦੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਿੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ TGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ, ਓਕੇ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲਈ। ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ PGT ਲਈ, ਔਰ PGT ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜੇ MA ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, MA ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ BA ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, BA ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਕੇ, ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਲਈ। ਤੋ BEd ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ SST ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ SST ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਚ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ BA ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਮੀ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਜਰ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਹਾਈ ਰੱਬਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। SST ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, SST ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ BEd ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋ, BEd ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ BA ਦਾ ਇੱਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ SST ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ SST ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਓਕੇ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ BSC ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, BEd ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਥ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, PGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ MSc ਕਰ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 50-100 ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ TGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ MSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਅਗਰ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪਤੰਬਰ ਜਾਣਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਓ। ਸਰ ਮੇਰੀ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਨਰਸ, ਓਕੇ, ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਮੈਥ 'ਚ, ਜ਼ੂਲੋਜੀ, ਬੋਟਨਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ,
एक एक सेमेस्टर है ना, एक एक सेमेस्टर है, सो ये माइनर बनने, वह भी शायद पंजाबी या पंजाब गुरु नानक एक साल हूँ कर दिता गया है। सो एम एस सी कमिस्ट्री है, ये बेस से तो साइंस मिल जाएगी, साइंस मिल जाएगी या फिजिकल साइंस दोनों मिल जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट एक सेमेस्टर ही पढ़े हैं, मेरे लिए दसो कि केड़ा बेस्ट कॉम्बीनेशन रहेगा सो गवर्नमेंट जॉब न टारगेट किया जा सके। मैं क्या टारगेट करांगे, स्पेशली पीजीटी, पीजीटी लिए लड़ना है तो फिर तुहाडी फिजिकल साइंस है, पोस्टा घट होंदियां उस दियां, एक गल समझ लेना, फिजिकल साइंस तुहाडा मेजर है। ओके, मैं सुजैसट कर रहा हाँ कि एम एस सी है तो तुम्हें साइंस ले लेना चाहिए है, जे साइंस लेने हो टी जी टी एलिजिबल हो, फिजिकल साइंस लेने हो पी जी टी लिए, फिजिकल साइंस लैके तो एम एस सी करनी पेगी, एम एस सी करनी पे फिर है, जे साइंस लेंदे हो तो एम एस सी तो बिना टी जी टी एलिजिबिलिटी बन गई है थोड़ी। ओके, ये थोड़ा मेजर सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हें देखना मैं पी जी टी जाना टी जी टी जाना साइंस या फिजिकल साइंस, ये मेजर हो गया। माइनर तुहानू कोई नहीं दस्या, तुहानू लैंग्वेज ही चूज़ करना पड़ेगा, जे नहीं कोई होर तीन साल पढ़िया तुहानू नैचुरली है इंग्लिश या पंजाबी इच चूज़ करना पड़ेगा, और जे तुसी इन्हां चों एक लैंग्वेज चूज़ करते हो उसका बी ए का अडिशनल नाल ही तुसी कोशिश कर सकते हो बी एड दे दियो, उहदे फॉर्म आने वाले ही है इन्हां दिनां विच, दो चार दिन दे विच आ जाने ने हर यूनिवर्सिटी दे। ओके, उसका वीडियो वखरा दिता है, देख सकते हो। सर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी तो बी ए ऑनर स्कूल बी ए ऑनर इन पंजाबी, तुहाडा मेजर भी पंजाबी बन सकता है। ओके, वन ईयर साइकोलॉजी फिलोसफी पढ़ी हुई है, टू ईयर हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है। सर मैनू मेजर सब्जेक्ट है, सर देखो मेजर माइनर की गल बाद विच है, सिर्फ तुहानू जॉब की एलिजिबिलिटी बननी है, चुप करके तुसी अजिहा कॉलेज लो जे तो कॉलेज तुहानू तीन साल नहीं पढ़िया तुहानू मेजर नहीं बन रहा, तुहाडा ऑनर तुहानू पंजाबी मेजर बन गया, ये मेजर बन गया, और उत्थे जाके एस एस टी ले लो तुसी माइनर, है ना, हुण तुसी दोनों पढ़ रहे हो, उस तो बाद माइनर तो बाद तुसी अपने अडिशनल पेपर, अडिशनल पेपर, अडिशनल पेपर दो देने पैने हैं तुहानू, क्योंकि तीन तीन साल तुसी कोई नहीं पढ़िया, हिस्ट्री का दो दोबारा। ओके, पॉल साइंस का सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, सोशियोलॉजी पढ़ दो, सोशियोलॉजी पियो, मैं बार बार कह रहा फिलोसफी ना पढ़ियो, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने जो सत्त सब्जेक्ट सोशल साइंस के रखे हैं उन्होंने सोशियोलॉजी वो है, हिस्ट्री है लेकिन फिलोसफी नहीं है, दैट इज़ वाई। सो मेजर थोड़ा बनिया पंजाबी, माइनर एस एस टी, जिदा मेरे कॉलेज है ना सैक्रेड हार्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन बरनाला, है माइनर तुहानू एस एस टी मिल जाएगा और अडिशनल दे के तुसी उन्हां लई एलिजिबल बन जाओगे गवर्नमेंट जॉब लई, अडिशनल तुहानू हां देने ही पैणे आ। नैक्सट चलते हाँ, बाद विच मेजर माइनर का कोई वह नहीं रह जाएगा, मेजर का मतलब है तीन साल पढ़िया है। सर मैं बी ए पंजाबी ऑनर की है तो मैं पंजाबी इकनोमिक्स म्यूजिक पिछले वाला केस बिल्कुल पंजाबी ऑनर है, बिल्कुल पंजाबी दी कीती है, तो बी ए विच इलेक्टिव पंजाबी इकनोमिक्स म्यूजिक्स वाओ सब्जेक्ट पी यू सी, मेरा इंट्रस्ट पंजाबी विच है, मेजर सब्जेक्ट पंजाबी रखना चाहती हाँ तो माइनर सब्जेक्ट एस एस टी रखना चाहती है, सोचा है उत्थे पंजाबी मेजर नहीं है तो मैं पंजाबी माइनर रख लवा तो पंजाबी गवर्नमेंट जॉब बन प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीन साल पंजाबी ये पढ़ी है, चंगी तरह सारे ही समझो, तीन साल जे पढ़ी है, इलेक्टिव पढ़ी है, इन्होंने इलेक्टिव लिखा है तो ये माइनर लिया है, जे तुसी माइनर ये कोई फर्क नहीं है, मेजर दे बराबर है, मेजर दे बराबर है, क्यों, क्योंकि तुसी गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल हो, टारगेट तो साडा ये है ना गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबिलिटी बन गई है, सो कोई फर्क नहीं है जे तुसी इलेक्टिव पंजाबी ऑनर ले ली है, ये मेजर ले लिया, मेजर ही मिलेगा तुहानू, जे तुसी इकनोमिक्स या ए वाला बंदा म्यूजिक ए मेजर लेना है ये जाके उदा ले लो, कोई भी ले सकते हो, तुहाडे तीन ही मेजर बन रहे हैं, तुहाडा ऑनर भी ए भी मेजर बन रहा, म्यूजिक भी इकनोमिक्स भी, तुसी हुण ये देखना है मैं इकनोमिक्स या म्यूजिक चो की लेना है, ठीक है, और तिने ही तुसी टी जी टी लिए एलिजिबल हो, मैंने कोई जानकारी नहीं दी कि तुसी एम ए केड़ी करना चाहोगे, उस दे बारे सोचा जा सकता है, जे एम ए म्यूजिक करनी म्यूजिक सोच सकते हो, इकनोमिक्स तो करनी ही पेगी, इकनोमिक्स सॉरी मैं गलत कह दिता, तुसी एदे लई टी जी टी लिए एलिजिबल हो, एदे लई टी जी टी लिए एलिजिबल हो, इकनोमिक्स इत्थे पढ़िया नहीं गया, एदे लई पी जी टी लिए बनोगे जे एम ए इकनोमिक्स लेंदे हो,
सो टी जी टी लिए जाना है तो तुहानू पंजाबी ते म्यूजिक लैना पएगा। ठीक, जे जाना है पी जी टी लिए इकनोमिक्स एम ए करनी है तो इकनोमिक्स लेना पएगा। मेजर हाँ कोई भी लै सकते हो तुसी, उहदा कोई बाद विच फर्क नहीं पएगा। ठीक सर, के वी एस टीचर एलिजिबिलिटी लई सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन ने हिस्ट्री जां ज्योग्राफी, इन्हां दोवां चों किहड़ा कंपलसरी है? शाबाश राजे, वेरी गुड। ये उन्हां दी कंडीशन है कि मिनिमम टू सोशल साइंसिज एस एस सोशल साइंसिज पढ़िया हो। ठीक है, वो दो सोशल साइंसिज चों मिनिमम वन जिहड़ी है वो जां तां हिस्ट्री होवे जां ज्योग्राफी होवे, मतलब इन्हां चों एक जरूर लै लो, जिहड़ा मर्जी लै लो। जे तुसी एडिशनल देना है फिर नैचुरली हिस्ट्री ही देना पएगा, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी कई जगह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज इंटरेस्ट ज़्यादा है प्रैक्टिकल कोई देन नूं मनदा है तुसी वो भी लै सकते हो। सो इस बेस्ट सोशल साइंस 13 साइंसिस चों टॉप दे जिहड़े सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री ते ज्योग्राफी है ना। इसलिए उस वीडियो विच मैं हिस्ट्री नूं ज़्यादा वधिया किया है पोलीटिकल साइंस दे, क्योंकि जॉब अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। सर मैं PUP दे BA कीती हुई है हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर सोशियोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। तुहाडा SST कॉम्बीनेशन बन गया है, हिस्ट्री है सोशियोलॉजी है, ये मिलके बन गया SST और हिंदी लिटरेचर है। SST हिंदी बेस्ट, और कुछ भी नहीं। मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बनूंगा, मेजर आपका SST और माइनर हिंदी, कोई भी होर नहीं रखना, कोई भी एडिशनल नहीं देना पाएगा। गवर्नमेंट जॉब लिए ये एलिजिबल हो डायरेक्ट, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जलंधर में एडमिशन लेनी है, बट वहाँ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस मेजर सब्जेक्ट। साइंस लोगे साइंस, सॉरी, तो TGT लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो। दे दो साइंसेज है, फिजिकल साइंस ते लाइफ साइंस, बायो तुसी पढ़ी होएगी है ना। इस दे नाल लैंग्वेज लो, लैंग्वेज इंग्लिश जां पंजाबी। ठीक, जे तुसी तीन साइंसेज पढ़िया हुई हैं जां MSc कीती हुई है, हुण मैनू नहीं पता, फिर तुसी साइंस ते लाइफ साइंस भी लै सकते हो। फिर तुसी साइंस ते फिजिकल साइंस, जे फिजिक्स की कुछ की है फिजिकल साइंस भी लै सकते हो, बेस्ट तुहाडे लई इह होएगा। इहदे विच तुहानू एडिशनल देना पएगा, MSc जरूर इहदे विच दूर करनी पएगी, इहदे विच MSc नहीं करनी पएगी। TGT लई एलीजिबल है, PGT लई एलीजिबल है। जे तुसी साइंस लै के इंग्लिश लैंदे हो तां इंग्लिश दा बाद विच तुहानू एडिशनल देना पएगा, हाँ नाल नाल भी दे सकदे हो। इसे तरह पंजाबी, उसका भी एडिशनल देना पएगा। दूसरी गल, मैं लैंग्वेज, मेरे ख्याल तुसी इह पुछिया है कि लैंग्वेज नहीं पढ़नी, तुसी इंग्लिश नहीं पढ़नी, पंजाबी नहीं पढ़नी, इहदे विच मैथड ऑफ टीचिंग पढ़ने आ, मैथड्स ऑफ टीचिंग, हाउ टू टीच पंजाबी, हाउ टू टीच इंग्लिश, है ना। वो डिफरेंट अप्रोचेज है, वो लगभग सारे सब्जेक्टां दीआं सिमिलर ही हुंदीआं हन। नैक्सट है BSc MSc फैशन डिजाइनिंग में की है, उसमें मैं इंग्लिश कंप्यूटर और पंजाबी के सब्जेक्ट हैं पढ़े हैं 3 साल, प्लीज़ आप बताइए कि मैं BEd में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ। फैशन डिजाइनिंग, तुसी मैनू ये नहीं हुण पता कि इसका वक्खरा वीडियो बना दिना हाँ। तुसी ये 3 साल सिर्फ लिखिया है, लेकिन इलैक्टिव 3 साल पढ़े होने चाहिए एक दे। हुण जे इन्हां विचों कुछ 3 साल इलैक्टिव पढ़िया है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर पढ़िया है तो ये मेजर बनेगा, जे इंग्लिश पढ़ी है तो ये मेजर बनेगा। मेरे ख्याल से नहीं पढ़िया होएगा, ये तुसी जनरल पंजाबी जनरल इंग्लिश पढ़ी होएगी। सो इस ते वक्खरा वीडियो बना के तुहानू दस दिना हाँ। हिंदी हिस्ट्री रिलीजियस स्टडी पढ़ी है, रिलीजन लिटरी लिखी है, हिंदी है, क्योंकि रिलीजन 13 सोशल साइंसेज विच आंदा है, हिस्ट्री बेस्ट गुड है, लेकिन तुहानू SST मेजर मिल जाएगा, ठीक है, और हिंदी ही माइनर लेना है, माइनर हिंदी ही लेना है। दोनों नाल तुसी गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल बनते हो, पर पंजाब स्टेट विच, पंजाब स्टेट विच PSET जे क्लीयर कर लिया तुसी, उन्होंने रिलीजियस स्टडी नहीं मनिया जाता। 7 सोशल साइंसिज इन्होंने रखिया हैं जिन्हां विच हिस्ट्री, इकनोमिक्स, ज्योग्राफी, पोलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी और एक होर है सब्जेक्ट, लेकिन रिलीजन नहीं है। इसलिए तुहानू दूसरा एक एडिशनल पेपर बाद विच दे दियो, BEd करते हुए भी दे सकते हैं एडिशनल पेपर, पोलिटिकल साइंस जां सोशियोलॉजी, जिहड़ा कि पंजाब गवर्नमेंट ने 7 सोशल साइंसिज रखिया वो देना पएगा। पोलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये तो हमेशा ही रहेंगे क्योंकि स्कूल सब्जेक्ट है ना। सो SST दे नाल तुसी हिंदी ही लैनी है।
सर प्लीज क्लियर अब डाउट फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर 3 ईयर पढ़े ने सर पंजाबी सब्जेक्ट और पंजाबी मुढ़ला ज्ञान 3 ईयर पढ़ी है ये केड़ी आ गया पंजाबी मुढ़ला ज्ञान 3 ईयर है और इंग्लिश से मैंने 1 ईयर पढ़ी है सर बेस्ट कॉम्बिनेशन आप नहीं छोड़ो इसको मैथ को मत छोड़ो कारण यह है कि TGT बन रहा है आपको ये नहीं छोड़ना और मैथ के साथ कंप्यूटर साइंस 3 ईयर पढ़ा है तो मैथ कंप्यूटर एक ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन नंबर 1 मैथ मेजर माइनर कंप्यूटर ये ले सकते हो दूसरा मैथ के साथ फिजिकल साइंस ये बेस्ट क्यों है क्योंकि दोनों TGT के लिए एलिजिबल हैं अगर ये सेकंड नंबर पर क्यों रखा कि मैथ्स TGT है लेकिन फिजिकल साइंस PGT है और PGT जब आप MSc कर लोगे फिजिक्स की केमिस्ट्री की उसके बाद एलिजिबल होगे दैट इज़ वाई सेकंड नंबर पर है ठीक है सो पंजाबी की लैंग्वेज के चक्कर में मत पढ़ो अगर आप क्योंकि तुहाडे कोल है ना दूसरा हिंदी च आ जाना मैं माफ़ कर दी अच्छा सर मैं BA विच म्यूजिक ऑनर कीती है ते इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट चूज कर सकती हाँ नहीं क्योंकि इंग्लिश तुसी 3 साल नहीं पढ़िया होएगा इत्थे है म्यूजिक है ना ऑनर सो म्यूजिक ही लो म्यूजिक मेजर ही लो और मेजर माइनर दा बाद च नहीं फर्क रहेगा वो फर्क रहेगा तुसी एडिशनल इलेक्टिव कीता होया कि नहीं तुसी इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश जे 3 साल पढ़िया होया है कोई गल नहीं माइनर लै लो जे 3 साल पढ़िया है इलेक्टिव दे तौर पर पढ़िया है तो ये मेजर के बराबर है क्योंकि जॉब लिए एलिजिबल है जे तुसी इंग्लिश 1 साल 2 साल 3 साल पढ़िया है जां इलेक्टिव नहीं पढ़िया जनरल पंजाबी पढ़िया है फिर तुहानू एडिशनल देना पड़ेगा कादा इंग्लिश का कादा BA का ओके ये तुहाडे लिए जरूरी है नैक्सट है मैनू पता नहीं रिप्लाई कित्थे मिस हो गया ओके हैलो सर प्लीज़ गाइड मी एज सून एज पॉसिबल पहला बहुत बार मैसेज किया माफ़ी मंगता मैं कॉम्बीनेशन सुजैसट प्लीज़ सर मैं BA विच पंजाबी लिटरेचर हिस्टर रिलीजियस स्टडी पिछले वाला रिपीट हो रहा है एग्जैक्ट उही है हिस्ट्री ते रिलीजन दे नाल तुहाडी SST बन गई पंजाब गौरमेंट नू PB गौरमेंट च रिलीजन नहीं है इसलिए तुहानूं एडिशनल देना पएगा और तुहानूं पोलीटिकल साइंस ही देना चाहिए है जोग्राफी दे सकते हो इकोनॉमिक्स दे सकते हो पोलीटिकल साइंस औखा है फिर तुसी एलिजिबल बनोगे गवर्नमेंट जॉब लिए हजे तुहानूं SST मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है SST मेजर है और पंजाबी लिटरेचर है इट मीनस माइनर जो है माइनर तुहाडा है पंजाबी ही बनेगा SST पंजाबी तो हिलना नहीं है ने मैं तो MA पंजाबी कीती है बेस्ट SST पंजाबी TGT और MA कीती हुई है तो PGT लिए भी एलिजिबल हो गए और तो बाद सर मैं MSc कंप्यूटर साइंस हूँ BEd विच केड़े सब्जेक्ट लवा कंप्यूटर साइंस है रिलीजन है नहीं तुसी SST ही लो एडिशनल दे दो जे तुसी जाना चाहते हो कंप्यूटर च बहुत ज़्यादा इंट्रस्ट है उदियां पोस्टा नहीं निकलदियां घट निकलदियां हजे तक नहीं निकलियां फिर तुसी कंप्यूटर साइंस ते पंजाबी लै सकते हो लास्ट ऑप्शन मैं इनू कहांगा पहली ऑप्शन तुहानू SST ते ये कहांगा दूसरा अपने कोलो पुछो कि सिलेक्शन टैसट विच नॉलेज बेस्ड टैसट हुंदा है सब्जेक्ट दी मास्टरी बेस्ड टैसट हुंदा है तुसी देखो कि तुसी SST ज़्यादा वधिया परफॉर्म कर सकते हो जां कंप्यूटर विच फिर इन्हां चों एक चूज करो हुण BEd विच किहड़े सब्जेक्ट मेजर होणगे माइनर मेजर तुहाडा SST ही होएगा दूसरा तुहाडा मेजर हिस्ट्री बन सकता है ना रखियो क्योंकि MA हिस्ट्री करनी पैणी है हाँ तीसरा तुहाडा कंप्यूटर साइंस जिहड़ा है वह बन सकता MSc दे बेस ते ठीक सो SST प्रैफर कर लो सर नॉलेज आ एरिया तो अपना देख के किन्ने कर गए हजे बहुत पे आ सर BFA पंजाबी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट पंजाबी ये रहे पंजाबी कंपलसरी इंग्लिश कंपलसरी फिलोसफी पंजाबी लिटरेचर पब्लिक एड फिलोसफी है ना तो पब्लिक एड ठीक है ये बेस पर तुम SST मिल गई ज़्यादा जरूरी है इस तरह के केस फसे रहते हैं पब्लिक एड है पंजाब गवर्नमेंट 7 सब्जेक्ट विच पब्लिक एड पंजाब गवर्नमेंट है ओके 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस फिलोसफी नहीं है इसलिए तुहानू एडिशनल पेपर गवर्नमेंट जॉब लैन लई एलिजिबल होने लई BA का एक सोशल साइंस का फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ही देइयो हिस्ट्री का देना पड़ेगा तो सो तुहाडा कॉम्बीनेशन बनया SST मेजर है माइनर तुहाडा पंजाबी है ओके यह नहीं कॉम्बीनेशन छड़ना बेस्ट कॉम्बीनेशन बनता है मेजर माइनर बनेगा तो एडिशनल पेपर देना पड़ेगा कि मैं SST मेजर रख सकता हाँ एडिशनल तुहानू देना पैना है मैं दस दिता है
ओके मैं SST मेजर रख सकता हाँ यस रख सकते हो पंजाबी माइनर हाँ जी प्लीज़ रख सकते हो। नेक्स्ट है सर मैसेज कर रहे हैं मेरे कमेंट नहीं है सॉरी वो नहीं कही हुए वेरी सॉरी मेरा है आपका प्लीज़ बताइए मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन नंबर एक पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री रखा है ये थोड़ा बन गया बेस्ट सब्जेक्ट है SST दे है SST थोड़ा बन गया ठीक है पर SST दे नाल कंप्यूटर नहीं मिलता सो तुहानू रखे MA इन पॉलिटिकल साइंस है प्लीज़ कॉम्बीनेशन बता दो मुझे अडिशनल सब्जेक्ट देना पड़ेगा SST दे नाल लैंगुएज लैनी पड़ेगी क्योंकि SST नाल कंप्यूटर नहीं मिलता जे SST नाल कंप्यूटर मिलता है ये बेस्ट कॉम्बीनेशन हो गया तुहानू कोई अडिशनल नहीं देना पड़ेगा जे कंप्यूटर नहीं मिलता फिर नैचुरली है तुसी इंग्लिश जां पंजाबी लोगे फिर तुहानू BA दा पंजाबी जिहड़ा भी लोगे उहदा BA दा अडिशनल पेपर देना पड़ेगा सो ये देखो कि तुहानू जिहड़े कॉलेज जाना चाहते हैं वह कॉलेज तुहानू मेजर इहदे नाल उह दिंदा है कंप्यूटर साइंस जे यूनिवर्सिटी एग्जाम सेम डे रखती है कोई भी नहीं देगा प्लीज़ मैं सर रिप्लाई कर दो मैं इलैक्टिव हिंदी हिस्ट्री फाइन आर्ट्स है इलैक्टिव हिंदी है इसनों नहीं छड़ना तुसी ये माइनर बनेगा लेकिन माइनर बराबर होएगा मेजर दे घबराना नहीं है माइनर यही लेना है हुण तुहाडे को फाइन आर्ट्स TGT लई जाना है तो फाइन आर्ट्स ये तुसी डिसाइड करना है जे PGT लई जाना चाहते हो मतलब कि यूनिवर्सिटी केड़ी है तुसी दस्या नहीं MA हिंदी की हुई है हिंदी ना छड़ियो कंबीनेशन बनेगा SST के साथ हिंदी बन सकता बिल्कुल बन सकता एडिशनल एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा कंबीनेशन क्लीयर कर लो प्लीज़ 100% तो देना पैना है जे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जां पंजाब यूनिवर्सिटी हो SST फिर SST मिल जाएगा ये तुहाडा मेजर बन जाएगा माइनर तुहाडा हिंदी बन जाएगा ये वाला जो MA की है तुसी सो एडिशनल तुहानू देना पड़ेगा पोलीटिकल साइंस का जोग्राफी इकनोमिक्स का तुहानू BA का BEd दे नाल भी दे सकते हो देना पड़ेगा जे तुसी हिस्ट्री नहीं लेंदे SST नहीं लेंदे फाइन आर्ट लेंदे हैं तो हिंदी लेंदे हैं कोई नहीं देना पड़ेगा फिर मेजर यही हो जाएगा फाइन आर्ट माइनर इलेक्टिव हिंदी ठीक है सर मेरा एंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल अच्छा हुआ था मुझे एडमिशन मिल जाएगी हाँ रिजल्ट आ गया है अब तो मेरा BA विच पंजाबी इंग्लिश पोलिटिकल साइंस जोग्राफी साइकोलॉजी इन्ना कुछ पढ़ लिया पंजाबी इंग्लिश पोलिटिकल साइंस जोग्राफी साइकोलॉजी हाँ तीन ही तुहाडे SST बन गया बिल्कुल ठीक है पोलिटिकल साइंस जोग्राफी बेस्ट सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन बनता है BEd में मास्टर पंजाबी की है SST पंजाबी ही लेना PB SST पंजाबी ही लेना मास्टर की है लेकिन आपको BA का एडिशनल पंजाबी का देना पड़ेगा 100% देना पड़ेगा BA का एडिशनल का पंजाबी का बैठे नहीं रहना दे देना सर मैं ग्रेजुएशन च हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गुड क्योंकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी बेस्ट सोशल साइंसेज SST नहीं छोड़ना मेजर सब्जेक्ट यह है SST के साथ फिजिकल एजुकेशन बहुत से कॉलेज में है ये ही लेना SST मेजर फिजिकल एजुकेशन माइनर ये मिलता है अगर फिजिकल माइनर पढ़ के ये भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन SST ही मेजर पढ़ना ये सभी में अवेलेबल होता है आपके लिए गाइडेंस क्या है आपको अभी देखना पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा कि फिजिकल एजुकेशन माइनर उस कॉलेज में है जिथे तुम SST भरी है ये देख लियो ये देख लियो ये देख लियो बार बार कह रहा हाँ नैक्सट चलते हाँ सर तुम मेरे सही नहीं करते मैं हूँ क्वेश्चन लिख देना सी राजे सर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पंजाबी इलैक्टिव की है मेरे पंजाबी MA पंजाबी है सब्जेक्ट BEd च बनते हैं तुहाडा हिस्ट्री ज्योग्राफी पंजाबी SST बेस्ट है बेस्ट कोई जो गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल है कोई एडिशनल नहीं करना पड़ेगा PSTET करो सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करो बस पंजाबी इलेक्टिव और SST पंजाबी ही आपका बेस्ट है इसको नहीं छोड़ना हर हालत में नहीं छोड़ना क्योंकि तुसी पंजाबी MA की हुई है तुसी देखो किन्ने प्यारे तुहाडे बंदे आ तुसी TGT लई बने गए SST लई और TGT लई पंजाबी लई और PGT लई पंजाबी लई बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट सो ये सीगे दैट्स ऑल अगली वीडियो च गल करदे आं दोबारा क्वेश्चन पूछ लो मैं लेटेस्ट नालों नाल जवाब दे रहा हाँ जेकर पिछलियां दे नहीं दित्ता नाल माफ़ी भी मंगांगा ओके थैंक यू